हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो आप सभी लोगों का वापस से जोमैटोस गेमिंग पर स्वागत है और आज हम लोग द बीस्ट इनसाइड का हॉरर गेम प्ले करने वाले हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ। ये गेम जो है ना, ये दो टाइम पीरियड के बीच में हो रहा है। एक हो रहा है एडम स्टीवेंसन जो कि है 1979 में, और एक था हमारा क्या नाम था उसका, निकोलस हाइड, वो था प्रेजेंट 1864 में। मैं देख लेता हूँ, वैसे मेरे को वैसे डेट याद नहीं है, तो मैं वैसे पूरा का पूरा गेम आप लोगों को नहीं बता सकता, नहीं तो पूरी की पूरी स्टोरी जो है ना, पूरा का पूरा गेम प्ले स्पॉइल हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, निकोलस हाइड 1864 में था और ये स्टोरी दो टाइम पीरियड्स के बीच में घटित हो रही है। और एडम स्टीवेंसन एज ए क्रिप्ट एनालिस्ट आते हैं इस घर में और मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं कि आखिर 1864 में ऐसा क्या हुआ था, किसके लिए हुआ था, मेनली वो चीज़ सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे एक एक क्लूज, एक एक चीज़ों को इकट्ठा करते हुए जा रहे हैं अपने टाइम पीरियड में और उसी को हम खेल भी रहे हैं साथ में, ठीक है। तो पूरी की पूरी स्टोरी तो वैसे मुझे भी नहीं पता है, तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। फिलहाल मैं बिल्कुल ही बिगिनर हूँ, तो ऐसे बीस्ट स्टार्ट करता हूँ मैं इस गेम को और ये बिल्कुल ही बिगिनिंग है यहाँ पे, ठीक है। हम लोग पहुँच रहे हैं एक घर के अंदर और मेरे ख्याल से एट प्रेजेंट कोई इस घर में ऐसी अंधे की और कोई अजीब सी शक्ति होगी या नहीं, मुझे नहीं पता, ठीक है। हाँ फिलहाल स्टोरी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या होने वाला है आगे। लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगा देता है, इसके प्रोलॉग को तो हम पूरा करके रहेंगे आज, ठीक है। उससे पहले लेट्स सी कि क्या करना है हमको। Where am I? Adam! Why are you stalking us? Is this about Adam's work? What do you want from us? Why are you tormenting our family? No! Adam! कोई बहुत ही खतरनाक टाइप का साइको किलर। What have you done to Adam? Oh God! War calls for casualties. तो एडम स्टीवेंसन मर चुका है मेरे ख्याल से। तो It's a regular family. You hear me? We just wanted to live our life, and you've ruined everything. Pictures, bugs, threats, and now you've killed me. Stay away! Don't! They already know about you. They've been watching the house. They won't let you. Hush. No! What are you doing? What are you doing? I am sitting. तो गाइस ये बहुत ही खतरनाक टाइप का साइको किलर था 1864 में और उसी का मर्डर जो हुआ था एडम का, मेरे ख्याल से एडम का ही मर्डर हुआ था उस समय पे। तो उसी मिस्ट्री को हम लोग सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। अभी इस गेम के डिटेल्स के बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। यहाँ पे एक एक टाइप के जो अलग टाइप की जो मिस्ट्री आती है ना, उसको हम सॉल्व कर पाएंगे या नहीं उसको देखना पड़ेगा, सब उसी के ऊपर है। और अब हम जा रहे हैं बिल्कुल एक न्यू होम के अंदर। Further we go, the more doubts I have. It will be challenging, true. But it was you who kept saying you'd like to get away. थोड़ा सा लैग हो रहा है क्योंकि सीपीयू हीट अप होने लग रहा है मेरे ख्याल से। For the weekend, honey. Not for the rest of our lives. Who says it's for the rest of our lives? मुझे लगता है कि फैन वगैरह ऑन कर देना चाहिए, तब तक मैं देखता हूं the hour. Very funny. Like we don't hear enough about nuclear threats in the media. Okay. That's what I'm talking about. If I don't break the code, this country would be like a basket full of nuclear mushrooms. Adam, stop it. But then again, maybe this shack will fall down on us before Brezhnev's boys launch their first missiles. It's no shack. It's a present from your parents and you should appreciate it. Okay. Take a look. Oh, it looks even better than the photos. ये घर बहुत छोटा है वैसे और बहुत वीरान इलाके में है। Well, our stuff made it here before us. And those lazy movers didn't even bother waiting for us. That's okay. We can bring it all in ourselves. Okay, अब हमें चलना पड़ेगा इस घर के अंदर, ठीक है। और चलिए फिर निकलते हैं, ठीक है। प्रोलॉग पार्ट को अच्छे से पूरा करते हैं, चैप्टर वन को आज खत्म करके रहेंगे, ठीक। 3 hour drive and we're finally here.
The place seems peaceful and quiet. Maybe it'll help me to focus on this. सर वीरान इलाके में ही ऐसी टाइप की घटनाएं घटती हैं. Those boxes won't carry themselves in. Update. The place seems peaceful and quiet until Emma showed up. Okay. अब हमें आगे जाना है और बाहर जो बॉक्स है उसको ऊपर रख के आना है. ठीक है. Gotta get those boxes inside. I should put the box on the table upstairs. पहले इसको खोलते हैं और ऊपर रख के आते हैं इसको. अगर आपको स्टोरी समझनी है ना तो इसके एक एक चैप्टर को आपको देखना पड़ेगा और उसी हिसाब से मैं आपको स्टोरी को समझाता हुआ चला जाऊंगा. तो यहाँ पर हम इसको टेबल पर रख देते हैं. The box is where it should be. Time to paint the walls. I think there's some paint in the attic. ऊपर जाना पड़ेगा हमको. उसके लिए कुछ टूल्स चाहिएगे. यहाँ पे कुछ है वैसे, देखना पड़ेगा मुझे. कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो हम ऊपर लगा सकते हैं. अच्छा चलो यही चाहिए हमको. अब इसको हमें अटकाना पड़ेगा. पकड़ते हैं इसको और नीचे कर देते हैं. ठीक है, बिल्कुल नीचे कर दो भाई यहाँ पे. चलो भाई बिल्कुल नीचे कर दिया हमने स्टेयर्स को और अब हम चलते हैं ऊपर. बट इट नीज अ की. यहाँ पर भी जाने के लिए हम लोगों को एक चाबी की जरूरत पड़ेगी. चलो भाई ड्रॉयर वगैरह चेक कर लेते हैं. यहाँ पर एक भी ड्रॉअर में तो है नहीं कुछ. I can't find it in the dining room. Oh, sorry. कार में जाना पड़ेगा. Typical. चलो भाई जल्दी जल्दी से गाड़ी में चलते हैं हम. मिस्ट्री को भी तो सुलझाना है ना. ये भी लॉक है, यहाँ से खुल सकता है. फ्लैश हो रहा है यहाँ पे, दबाते हैं. चलो भाई यहाँ पे की मिल गई हमको, रखते हैं इसको और जल्दी जल्दी से ऊपर चलते हैं. एकदम जल्दी जल्दी से चलते हैं गाइस. ठीक है, लगाते हैं इसको ऊपर. चलो यहाँ पर तो हम पहुँच गए हैं. अब इसके बाद इसको हमें उठाना पड़ेगा. चलो इसके अंदर तो कुछ ऐसा है नहीं. चलो ठीक है, ये एक्स है. चलो फेंक देता हूँ नीचे, क्या पता कुछ काम आ जाए. और नहीं चाहिए हमको कुछ ऐसा. तो हमें पेंट करने को कहा गया है ना एटिक पे. और यहाँ पर फ्लैश हो रहा है. चलो इंटरेक्ट करते हैं इस ऑब्जेक्ट के साथ. Damn it. What's that? चलो इसके साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा. ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. पीछे धकेलना पड़ेगा इसको, तोड़ना पड़ेगा मेरे ख्याल से तो. बिल्कुल ओके, यहाँ पर टूट गया है. सही. Treasure? Hope it's not great grandpa's porn mags. चलो बहुत बढ़िया. और यहाँ पे कुछ हमें मिस्ट्रीज सॉल्व करनी होगी. कैसे सॉल्व करेंगे हम? I have to break the cipher to open the box. मुझे नहीं पता. कुछ हिडन चीज है यहाँ पे. इसको रोटेट करने को कहा गया है. J is equal to C, Julius Caesar's initials. Wait, isn't that what I do for a living? J is equal to C dot Julius Caesar's initials. J अगर C के बराबर हो तो M H P A O किसके बराबर होगा? इसके हिसाब से हमें सेट भी करना पड़ेगा. ठीक है. This device will help me decode the letters in the text. J को हमें C के बराबर लाना होगा पहले.
जे को सी के बराबर लाना होगा, बिल्कुल बिल्कुल लाना पड़ेगा भाई, बिल्कुल लाना पड़ेगा। ऊपर 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 ऊपर, ठीक जे सी के बराबर आ चुका है। और एम एच पी ए ओ इसका कोड वर्ड है, उधर चलना पड़ेगा अपन को। ठीक है, फिर देखते हैं कि क्या कोड हम निकाल पाएंगे यहाँ पे। वापस खोलते हैं डिस्क को। एम एच पी ए ओ, एम का मतलब है एफ, एच एच कहाँ पे है, एच के सामने है ए, पी पी खोजो, पी पी के सामने आई, एम एच पी ए ओ, टी ओ कहाँ पे है, यहाँ पे ओ के सामने एच, ठीक है। तो एम एच पी ए ओ एफ ए आई एंड देन हमारे पास आता है टी, एफ ए आई टी, ओ एफ ए आई टी एच, फेथ। फेथ कोड वर्ड दिख रहा है हमको। चलो भाई इंटरेक्ट करते हैं यहाँ पे, एफ ए आई टी एच। चलो भाई खुल गया, यहाँ पे बक्सा खुल चुका है पूरी तरीके से। इसको खोलते हम यहाँ पे, अच्छे से खोलो ना। चलो भाई इसको हम अपने पास रखते हैं और देखते हैं इस डायरी में क्या लिखा हुआ है। और इस डायरी में ही चीज़ लिखी हुई है। It is September 27th in the year of our Lord 1864. और अब हम दूसरे टाइम पीरियड पे चले जाएंगे जो कि 1864 की थी, ठीक है। और अब हम आ चुके हैं गाइस चैप्टर 2 में, बट वी विल प्ले दिस चैप्टर नेक्स्ट टाइम, ठीक है। और अगर आप लोगों को ये वाली गेम प्ले वीडियो पसंद आई हो तो गाइस लाइक ज़रूर कर देना इस वाले गेम प्ले वीडियो को जो कि मैंने अभी खेली है पूरी की पूरी, ठीक है। और सब्सक्राइब कर देना Zomatus Gaming को अगर आप लोग मेरे तरफ से ऐसे ही गेम प्लेस देखना चाहते हो। तो मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में मिलता हूँ, और तब तक के लिए बाय, ठीक है। It is September 27th in the year of our Lord 1864, evening, almost night.